तो आज हम आए हैं 11:30 बजे से अभी तक हम जग्गरनॉट कॉन्सेप्ट, असल जग्गरनॉट क्या है, जग्गरनॉट के उदाहरण एग्जांपल्स क्या है ये देखे थे, और कई सारे जग्गरनॉट से हम कुछ कुछ सक्सेस के लिए सीक्रेट्स देखने के लिए हमको मौका मिला। पहले जगन्नाथ रथ यात्रा हमने देखे थे, और जगन्नाथ रथ यात्रा से हम एक चीज आज घर लेके जाएंगे हमारे साथ, वो क्या है, वो क्या है, एक बार मनन करेंगे, याद करेंगे। 2 घंटे यहां समय डाले हैं, ये समय डालने की वजह से मुझे क्या मिला, मैं यहां से क्या सीख के जा रहा हूं, मेरे भलाई के लिए, मेरे परिवार की भलाई के लिए, मेरे कस्टमर के लिए, मेरी कंपनी के लिए, आज के दिन इस 2 घंटे से मैं क्या सीख के जा रहा हूं बोलेंगे तो रथ यात्रा देखने के बाद उसमें से आज हमारी चर्चा से हमको क्या सीखने को मिला, अनस्टॉपेबल। वो अनस्टॉपेबल बनने के लिए रथ यात्रा से क्या सीखने को मिला, यूनिटी, एक चीज, वर्क इज वर्शिप, हमारे काम ही एक प्रार्थना है। आज से जब हम काम कर रहे हैं वो भगवान के लिए प्रार्थना है, हमारे तन ही एक देवालय है, हमारी शॉप ही एक देवालय है, मंदिर है, और जो काम उस मंदिर में उस शॉप में कर रहे हैं रिटेलर शॉप में वो ही एक भगवान के लिए प्रार्थना है। इतना प्यार से करेंगे, इतना तन मन धन डाल के वो काम हम करेंगे। सो रथ यात्रा से हम क्या लेके जा रहे हैं, हमारे काम ही एक प्रार्थना है, वो प्रार्थना जैसा हम करेंगे। दूसरा, अपोलो 11 चांद के ऊपर जो गया अपोलो 11, वो अपोलो 11 से हमको क्या सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला, आज क्या समझ के सीख के जा रहे हैं हम, हाँ, आत्मविश्वास तो दूसरी बात, तो इससे सीखे हैं हमको, हमारे काम को भी एक साहस कार्य जैसा लेंगे, एडवेंचर जैसा लेंगे, एक छोटा मोटा काम नहीं, एक अच्छा काम है, साहस कार्य है बोल के हम हमारे काम को हर रोज जब शॉप में जा रहे हैं तो एक साहस कार्य जाने की कितना तैयारी करते हैं, जितना उत्साह से जाते हैं ऐसे जाते हैं, युद्ध में जाएंगे कैसे जाएंगे, एक पर्वतारोहण में जा रहे कैसे जाएंगे, सो एक साहस, नदी को क्रॉस करना चाहेंगे तो कैसे जाएंगे, ऐसे तैयारी से, ऐसे उत्साह से हम जाएंगे, उत्साह से हमारे काम में हम जाएंगे, हमारे स्टाफ को भी, हमारे लोगों में भी, हर रोज जब काम पे जा रहा है उनको काम पे नहीं भेजेंगे, आप एक साहस कार्य जा रहे हो बेटा, जाओ साहस करो विजय प्राप्त करो, साहस करो विजय प्राप्त करो, ठीक है। व्हाट्सअप, व्हाट्सअप संस्था जो इतना सीक्रेट लिया, सक्सेस लिया, उससे हमको क्या सीख के जाते हैं, वायरल मार्केटिंग की बात छोड़ो, अभी वायरल बनना चाहिए, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, मैं कस्टमर्स के बोलूंगा, मेरे किसान जाके मेरे बारे में कैसे बोलेगा, वो सोच के वो समझ के ऐसा काम करेंगे या कि मेरी कस्टमर्स जाके वो दूसरे कस्टमर्स को मेरे बारे में बोलेंगे, ये है व्हाट्सएप से हम लेके जाएंगे। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से क्या सीख के जा रहे हैं हम, एक कदम आगे, 100,000 कदम की जरूरत नहीं, केवल एक कदम मेरे एरिया में, मेरे गांव में, मेरी जगह पे, मैं मेरे कस्टमर्स से, मेरे कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे कैसे रखूं, ये बात सोचेंगे समझेंगे, और आज के बाद हमारे कॉम्पिटिशन से हम एक कदम आगे रखेंगे, वेरी गुड। बाद में एप्पल, एप्पल संस्था से क्या सीखे जा रहे हैं हम, एप्पल संस्था एक जग्गरनॉट इतना बड़ा संस्था बन गया, वो संस्था से जो हमने चर्चा की उससे क्या सीखने को मिला, अनुभव, अनुभूति। मैं किसानों से बात कर रहा हूं, वो गरीब किसान, वो गांव से आते, उनकी भी दिल है, उनकी भी दिल में भावनाएं हैं, जब मेरे धोती पहन के वो मेरे शॉप में आ जाते हैं, मैं इतना अच्छी तरह बात कर रहा हूं, वो दिल में खुश होके जाएंगे, मैं मेरे जो जो उनसे बात कर रहा हूं तब मेरी अनुभूति उनको जो आगे लेके जाएंगे, वो कई महीने तक मेरे बारे में याद रखेंगे, उनके अनुभव, उनके अनुभूतियों को हमारे दिमाग में रखे उनसे बातचीत करेंगे हम, अनुभव, अनुभूति, अच्छा अनुभव को बेचेंगे, अच्छा अनुभूति को बेचेंगे, प्रोडक्ट हमेशा बेचेंगे बाद में बिक जाएगा, पहले हमको बेचना चाहिए अनुभूति, अच्छा अनुभूति, ये शॉप से, ये आदमी से काम करने में, बिजनेस करने में, यस, उनको अच्छा अनुभूति मिलना चाहिए, वो अनुभूति दे दीजिए, प्रोडक्ट्स अपने आप बिक जाएगा बाद में। गूगल, गूगल संस्था से क्या सीख के जा रहे हैं हम, सक्सेस ऑफ ऑल द पीपल, इतना सारे लोग प्यार कर रहे हैं,
गूगल संस्था से प्यार कर रहे हैं, तो हमको भी सोचना चाहिए मैं मेरा विजय अग्रह को कितना ज्यादा प्यार करूं, हर रोज कैसे प्यार करूं। आई वॉन्ट टू लव माई कंपनी, आई लव माई कंपनी, आई लव माई प्रोडक्ट्स, आई लव माई कस्टमर्स, आई लव माई सेल्फ। प्या प्या प्या, मैं मेरे संस्था को कैसे प्यार करूं और मेरे कस्टमर्स को भी मेरे संस्था से प्यार में कैसे डालवाऊं, ये सोचना चाहिए हर रोज। ये प्यार की वृद्धि होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। मोदी जी से क्या सीखे जा रहे हैं, मोदी जगरनॉट से? सेवा भाव और सेवा तत्व से हम काम करेंगे। जो भी काम कर रहे हैं हम, पैसा आ जाएगा बट हम काम करें सक्सेस आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, जो भी चाहें वो सब आएगा, बट जब काम करें हमारे दिल में दिमाग में सेवा भाव सेवा तत्व को दिल में भर के हम काम करेंगे तब सक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और मोज़ अ बैम्बू जगरनॉट को से क्या सीख लेके जा रहे हैं हम? हाँ, प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस। तैयारी बहुत जरूरी है। जो भी एग्जाम में सक्सेस लेना है बेटा, तैयारी अच्छा होना चाहिए। बिजनेस में भी तैयारी होना चाहिए। हमारे पास कई सारे अच्छे कंपनीज हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, फिजिकल प्रिपरेशन, अच्छे गोडाउन हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। आजकल सिस्टम पे जाना चाहिए, सिस्टम 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 सिस्टम, एक अच्छा सिस्टम, क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है। जब 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 10 करोड़ चलेगा, बट बिजनेस आगे बढ़ रहा है मतलब एक सिस्टम पे जाना पड़ेगा। सिस्टम्स को हमारे बिजनेस में लाना पड़ेगा, एक सिस्टम से हमको आगे जाना पड़ेगा। सिस्टम्स नहीं है तो इसमें गलतियाँ हो सकता है, नुकसान हो सकता है, बहुत नष्ट भी हो सकता है। इसलिए हम सबको सोचना चाहिए हम विजय गुरु से जुड़े हैं, कौन सी सिस्टम है, विजय गुरु का सिस्टम क्या है, वो सिस्टम के अनुसार हमको भी आगे जाना चाहिए। हम सब हाथ मिलाएंगे, एक सिस्टम से आगे बढ़ेंगे, एक सिस्टम से हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। उसी के अनुसार हम तैयारी करेंगे आने वाले दिनों में, जो भी है वो सक्सेस के लिए अभी सोचेंगे समझेंगे तैयारी करेंगे। और बाहुबली की सक्सेस से क्या सीख रहे हैं हम? कॉन्फिडेंस, विश्वास, ट्रस्ट, विश्वास कंपनी के ऊपर, विश्वास कस्टमर्स के ऊपर, विश्वास जो प्रोडक्ट्स मैं बेच रहा हूं वो प्रोडक्ट्स के ऊपर, विश्वास जो किसानों के ऊपर, विश्वास हर रोज, अल्टीमेटली मेरी भविष्य के बारे में विश्वास, खुद के बारे में विश्वास, विश्वास 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 से आगे बढ़ेंगे, विश्वास से आगे बढ़ेंगे। आने वाले दिन अच्छे दिन होगा, आने वाले साल बहुत अच्छा होगा, ये विश्वास है हम आगे बढ़ेंगे। फाइनली लास्ट में हनुमान जी से हमको क्या सीखने को मिला? हनुमान जी की जो वीडियो देखे, हनुमान जी के बारे में और एक बार हमने याद किया, उनको देखा, उनके बारे में सुना, तो हमको क्या मिला? हाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे में इतना सारे पोटेंशियल है, वो पहले पहचान लो। पहले तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है बिजनेस, अभी देखो कितने सारे फसलों हैं, कितने मार्केट है, कितना सारे किसानों कई ढंग से कर रहे हैं, और मार्केट इतना बड़ा है और किसानों को देने के लिए बहुत सारे काम है। और अभी तक जो भी पोटेंशियल, वो 5-10% का पोटेंशियल भी हम आज तक टैप नहीं किया। मार्केट बहुत बड़ा है, हजारों करोड़ की मार्केट हमारे सामने है। उतना पोटेंशियल को लेना है तो जो खुद के अंदर जो पोटेंशियल है उसको बाहर लाना है। बाहर लाने हमको भी देखना है मेरा जांबवंत कहाँ है, मेरा जांबवंत कौन है, देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। जाइए साहब, नमस्कार साहब, मेरे को आपके मार्गदर्शन की जरूरत है, प्लीज कृपा करके मेरे को गाइड बनिए। अभी से मेरे को जब भी कुछ डाउट वगैरह है आपके मार्गदर्शन चाहता हूँ, मेरा मेंटर बनिए। बोल के हमको जाके कोई किसी को मेंटर जैसा हम रिक्वेस्ट करना चाहिए। हर एक को मेंटर है, सचिन तेंदुलकर को भी मेंटर है, मोदी जी को भी मेंटर है, गुरु जी सबके लिए गुरु जरूरत है। वो गुरु कौन है? आपके गुरु, आपकी प्रेरणा देने वाले वो मेंटर आपके कौन है, देख लीजिए। हो सकता है वो बड़े भाई, आपकी बीबी भी आपकी गुरु बन सकती है। कोई भी, सोच लीजिए, आपके बारे में सोचने वाला समझने वाला वो आदमी के पास जाइए, उनको मेंटर जैसा आपकी जिंदगी में लेके आइए। साथ साथ आप सोचिए, मैं कौन सी लोगों को जांबवंत बनूं? पहले मेरा बेटा बेटी को, सोच लीजिए। तो ऐसा आज हम ये 10-11 जगरनॉट्स को देखे और वो जगरनॉट से कुछ प्रेरणा, कुछ सीखने को मिला। तो मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या जवाब देने के लिए आप तैयार हैं? कौन बोला यस? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा भैया? तो आवाज उठा के बोलो ना, आवाज उठा के बोलिए, क्या आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? अभी भी मालूम नहीं पड़ा,
मालूम बढ़ना चाहेंगे तो जो भी बोलना वो आवाज उठा के बोलिए, आवाज के साथ साथ आपको हाथ को भी उठा के बोलेंगे तो मुझे पक्का समझ में आएगा कौन यस बोल रहे हैं। क्या प्रश्नों के जवाब देने के लिए आप तैयार हैं? वेरी गुड। आर यू अ विनर? क्या आप एक कामयाब आदमी हो? क्या आप एक चैंपियन हो? क्या आप अनस्टॉपेबल हो? नो no? बोलिए आई एम अनस्टॉपेबल। बोलिए ऐसा हाथ रखिए आपकी छीन के ऊपर, बोलिए बोलिए आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम ए जगरनॉट, आई एम अनस्टॉपेबल, मैं एक जगरनॉट हूं, मैं एक जगरनॉट हूं, यस मैं अनस्टॉपेबल हूं, यस Yes, you are unstoppable. Yes, you are unstoppable. So, हमको ऐसा इतना अच्छा मौका दिया विजय एग्रो ने यहाँ पे आने के लिए। विजय एग्रो एक जगरनॉट जैसा आगे बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में एग्री इनपुट सेक्टर में और बड़ा जगरनॉट बनेगा। आप सब मेरे साथ बोलिए, विजय एग्रो इज अ जगरनॉट। I am also a juggernaut. विजय एग्रो एक जगरनॉट है, ऐसा हाथ पकड़ लीजिए। विजय एग्रो एक जगरनॉट है, मैं भी एक जगरनॉट हूं। विजय एग्रो एक जगरनॉट है, मैं भी। तक गए क्या? बोले मैं भी एक जगरनॉट हूं। ऐसा सो यस, आने वाले दिनों में आपके सामने कई सारे लक्ष्य हैं, पर्सनल लक्ष्य, बिजनेस में भी कुछ गोल्स हैं, पर्सनल लाइफ में भी कुछ गोल्स हैं। पर्सनल लाइफ में भी बेटा बेटी के एडमिशन है, बेटा बेटी की शादी है, कुछ घर बनाना है, गाड़ी लेना है, पर्सनल लाइफ में भी कुछ लक्ष्य हैं, बिजनेस लाइफ में भी कुछ लक्ष्य हैं। जो भी जगरनॉट का रहस्य हम सीखे हैं वो जगरनॉट रहस्य हमारे काम में डालेंगे तो बिल्कुल 100% आपकी पर्सनल लाइफ में और बिजनेस लाइफ में भी सक्सेस 100% आ जाएगा। एक बार आपकी जो सामने वाले जो साल में जो लक्ष्य हैं वो लक्ष्य को मनन कीजिए, याद कीजिए और मेरे साथ बोलिए, यस इट इज पॉसिबल, यस ये संभव है 100%। थैंक यू वेरी मच। बट आपकी सक्सेस के लिए जो कमिटमेंट की जरूरत है, पहली कमिटमेंट आपसे आना चाहिए, पहली कमिटमेंट आपसे आना चाहिए। क्या आपकी सक्सेस के लिए आप कमिटेड रहेंगे? वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच। लेट अस सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल सक्सेस ऑफ विजय एग्रो। थैंक यू। यू आर ऑन द एज। अभी नए साल की शुरुआत होने वाला है, अभी टेक ऑफ करने का, एक टेक ऑफ करने का और मार्केट इज वेरी बिग। पुट इन प्रैक्टिस जगरनॉट सीक्रेट। जो भी आपने सीखने को सुनने को मिला वो आगे जाके हमारे काम में डालने की प्रयास कीजिए। जो भी काम कर रहे हैं उसमें तन मन धन का काम कर लीजिए एंड बिकम एन अनस्टॉपेबल जगरनॉट। वेरी गुड। दो घंटे समय डाले हैं, ये समय में क्या जगरनॉट का कॉन्सेप्ट क्या है पता चला? जगरनॉट का मतलब पता चला? जगरनॉट के कुछ रहस्य सीखने को मिला? ये सीखने इस रहस्य को आपके काम में डालेंगे, आपके काम में डालेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्या प्रोग्राम को एंजॉय भी किए थे? क्या बोलेंगे, प्रोग्राम वेरी गुड और एक्सेलेंट? थैंक यू वेरी मच। वुड लाइक टू थैंक विजय जी, नरेन साहब एंड विजय एग्रो फॉर गिविंग दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। हम सबको ये दोनों घंटे बातचीत करने के लिए मौका दिए थे। थैंक यू वेरी मच साहब। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड ग्रेट सक्सेस इन द कमिंग ईयर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच। ब्लेस यू। थैंक यू।